हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एटीन, और हमें जो है वो इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। तो जो है वो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो है वो प्लस वन है और कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो माइनस एटीन है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एटीन, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमने ले लिया प्लस वन और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस एटीन, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आ गया माइनस एटीन। अब इसके बाद हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस एटीन आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म का कोफिशेंट आए, यानी कि माइनस सेवन है। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि नाइन टू ज़ा एटीन जैसे होता है, यानी कि नाइन के टेबल में जो है वो एटीन आता है, नाइन टू ज़ा एटीन। और अब हम इसमें प्लस माइनस का साइन लगा के इसको एडजस्ट करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसे प्लस ले लें और इसको माइनस ले लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस नाइन और माइनस टू मल्टीप्लाई होकर माइनस एटीन हो गया। लेकिन हम प्लस नाइन और माइनस टू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस सेवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये मिडिल टर्म नहीं आ रही है, यानी कि मिडिल टर्म का कोफिशेंट जो है माइनस सेवन वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो हम ये वाले जो फैक्टर्स हैं हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम दूसरे फैक्टर देख लेते हैं, यानी कि फैक्टर्स तो हम यही तक इसी से हो जाएगा हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन हम साइन को चेंज कर देते हैं। यानी कि जहाँ पे हमने प्लस नाइन और माइनस टू लिया था तो हम माइनस नाइन और प्लस टू ले लेते हैं। तो माइनस नाइन और प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस एटीन मिल जाएगा, यानी कि वही जो ऊपर वाला नंबर है। और माइनस नाइन और प्लस टू अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस सेवन। तो अब हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि हमें वो दो फैक्टर्स मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस एटीन मिल रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला नंबर, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म का कोफिशेंट मिल रहा है माइनस सेवन। तो अब जो है हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस सेवन जो है वो माइनस नाइन और प्लस टू के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो माइनस सेवन एक्स जो है वो माइनस नाइन एक्स और प्लस टू एक्स में ब्रेक हो जाएगा और ये माइनस एटीन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम जो है वो स्टार्टिंग टू टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस नाइन। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर हम एक्स को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन एक्स मिल जाएगा। और लास्ट टू टर्म्स में से हम प्लस टू कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस नाइन। तो यहाँ पर जो है हम दोबारा से चेक कर सकते हैं कि हम टू को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स मिल रहा है, और प्लस टू को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एटीन मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है हम ये करेंगे कि एक्स माइनस नाइन हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस नाइन। और जब यहाँ से हम एक्स माइनस नाइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्स बच जाएगा, तो हम वो एक्स यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ से जब हम एक्स माइनस नाइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस टू बच जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन थी ये फैक्टराइज हो गई मिडिल टर्म ब्रेक से। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एटीन फैक्टराइज होने के बाद आपके पास क्या हो गया, एक्स माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू। तो जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर रहे होते तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी आंसर आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस वन को हमने माइनस एटीन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एटीन आ गया। इसके बाद हम दो ऐसे नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस एटीन आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म आए। तो यही प्रोसीजर हमने यहाँ पे यूज़ किया और इस तरीके से हमने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया।